ओपन हो गया। देखो क्लास नाइन में हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, ये 11-12 तक भी तुमको पढ़ना है, उधर ऊपर भी पढ़ना है। तो प्रायिकता का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में पी से व्यक्त करते हैं, घटना बटा कुल घटना। प्रायिकता का मतलब घटना बटा कुल घटना। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया है कि एक थैला में 2 उजला गेंद है और 3 क्या है लाल गेंद है और है 5 है काला गेंद। अब बोला गया कि काला गेंद का प्रायिकता बताइए, तो काला गेंद का प्रायिकता का मतलब हुआ कि 5 काला है और सब है कै गो, 2 उजला 3 लाल और 5 काला, तो सब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 गो, और काला कै गो है 5 गो, तो 5/10। अगर ललका का पूछेगा तो 3/10, अगर इसको उजरका का पूछेगा 2/10। समझ में आ रहा है, मतलब कि घटना जितना हो रहा है टोटल घटना उसको अनुपात कर देंगे तो प्रायिकता आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ मतलब हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, जो मतलब हम जैसे कि डाइसी लुढ़का रहे हैं या हेड टेल कर रहे हैं तो इसको हम प्रयोग कहते हैं, मतलब ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसको हम प्रयोग कहेंगे। और उसमें जो चीज़ आएगा है ना वो यादृच्छिक घटना है। हेड मान लीजिए एक सिक्का उछाले हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो इसका यादृच्छिक मतलब कि ये घटना हो गया है ना, यादृच्छिक प्रयोग उसको हम बोल सकते हैं। तो या और समझ लेते हैं कि नहीं होने की प्रायिकता उसको पी डैश से व्यक्त करते हैं, एक में से होने वाला प्रायिकता को घटा देते हैं। जैसे मान ले कि काला गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछता, तो होने की प्रायिकता 1/2 आया है, तो नहीं होने के लिए एक में से क्या करेंगे 1/2 घटा देंगे, तो फिर आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, जैसा कि मैंने इस उदाहरण में बताया भी है कि उजला का 2/10, लाल का 3/10, ब्लैक का 5/10, सब को जोड़े तो 10/10 = 1 आ गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछता है हर जगह। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है बच्चों। असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, कुल का 1 होता है, अब बाकी प्रायिकताओं का मान इन दोनों के बीच में ही होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन दे देगा कि मारिए कि बताइए इसमें कौन प्रायिकता है या नहीं है, देखिए ऑप्शन में -1 है, 0.2 है, 5.1 है, 1 × 3 है, तो देखिए -1 तो होगा नहीं, 0.2 मतलब 2/10 है, तो ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है, मतलब ये 1 और 0 के बीच का है, तो यही होगा 5.1 है, तो यही ज़्यादा है 1 से। आई देखो 3 × 3 = 4/3 है, तो 4 ऊपर ज़्यादा है, 3 नीचे है कम, तो ये प्रायिकता नहीं है। अब देखो सम संभावना का मतलब समझो, बताए अभी तुरंत कि बराबर बराबर घटनाएं अगर हो रही हैं, जैसे कि मान लिए कि लीडो गोटी अगर है 6 सतह है, 3 सतह सब पर 1 का है गो अंक लिखल है, तो सम संभावना है। लेकिन अगर 5 सतह पर अगर खाली डायरेक्ट खाली पाँच लिखा रहता या 6 लिखा रहता और 1 पर 1 लिखा रहता, तो वो उसका संभावना ज़्यादा बन जाता, जिसका ज़्यादा लिखा रहता तो वो सम संभावना नहीं होगा। फिर है कि 1 उछालने पर कुल संभावना कितना होगा, तो 2^1। ये फॉर्मूले हो जा रहा है कि सतह के पावर, यहाँ पर लिख देते हैं कि सतह के पावर एन हो जाता है, यहाँ एन हो गया सिक्कों की संख्या और सतह हो गया मतलब सिक्का पर 2 सतह होता है, तो सिक्का पर 2 सतह होता है। डाइस पर पूछ देगा, अब देखो 2 ए हला नहीं करो भाई, 2 सिक्का है तो 2 सिक्का के लिए कहा तो सिक्का के सतह तो हेड और टेल 2 होता है और 2 सिक्का भी कह दिया तो 2^2 = 4 हो गया, 3 सिक्का कहा तो 2^3 = 8 हो गया। अब बता भी दिए कि कैसे कैसे आएगा, है कि नहीं है। अच्छा अब मान लीजिए लूडो की गोटी कहता तो लूडो की गोटी पर 6 रहता है सतह, 1 लूडो की गोटी लुटकाएंगे तो 6^1 = 6 रहेगा, 6^2 = 36 रहेगा, जैसा कि नीचे बताए भी हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालना है, थोड़ा इधर दिखाओ भैया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है प्राकृत संख्या, 1 को न तो भाज्य कहते हैं न तो अभाज्य कहते हैं, तो 2, 3, 5, 7 4 गो है और टोटल 10 है, तो 4/10 काटेंगे तो 2/5। ताश के पत्ता के बारे में समझ लो, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल पत्ता की संख्या कितना होता है 52, 13 काला पान है, 13 लाल और 13 ये काला वाला चिड़िया और 13 लाल टिकरिया ईंटा बोल सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और होता है गुलाम है ना, और होता है बेगम और होता है बादशाह। समझ में आ रहा है, इतने तरह के होते हैं पत्ते।
एक डाइस पर संभावना है 6 के पावर 1, एक दो डाइस पर 6 के पावर 2 36। अब मैंने इतने थोड़ा इधर दिखा दे भाई, ये देखो कैसे लिखना है, 6 घटना 36 घटना कैसे लिखना है, आ रहा बात समझ में। और इसमें इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंथ में भी पूछा जाएगा कि बताइए कि दो दो डाइस लूट का है तो अंकों का योग 8 आने का प्रयोगता बताइए। तो देख लो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 क्रॉस करके देख लो 1 2 3 4 5 पाँच गो हो गया और टोटल है 36 गो। इसको लिखने का बड़ा अच्छा तरीका है, एक एक लिख देना, दो दो लिख देना, तीन तीन लिख देना, चार चार लिख देना, 6 गो, 5 5 लिख देना, 6 6 लिख देना, 6 गो, और इधर से फिर 1 2 3 4 5 6 तक लिख देना, और सब पर एक से गिनती 6 तक लिख देना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, समझ रहा है? ऐसे करके लिखोगे तो 36 घटना आ जाएगा। और जितना का पूछेगा, अंकों का योग 10 पूछता, तो देखो 6 4 10 5 5 10 और 6 4 10, तो 3 गो हुआ, तो 3/10। तो इस तरह से हमने आज बता दिया है, नवा क्लास के लिए 10वां में भी काम दे देगा यही चीज़, वही है 11 12 में भी बेसिक तो यही है, समझ रहा है? आते हैं एक बार पूरा दिखा दो, तो वहाँ से यहाँ तक दिखा दो कि ताकि वीडियो में से रोक करके और नहीं जो आया होगा वो लिख लेगा, है ना? और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कराओ भाई, बढ़ नहीं रहा है सब्सक्राइबर। हाँ, उसको अगर तुम लोग देखता है तो ठीक है, कोशिश हो रहा है कि आगे मतलब कि वीडियो अच्छा क्वालिटी का बने, तो व्यूअर बढ़ेगा, देखने वाला बढ़ेगा, तब ना मन बढ़ता है। तो कोशिश किया जा रहा है कि आगे चल के कि कैमरा उमरा अलग व्यवस्था किया जाए ये, और कि थोड़ा साफ नज़र आवे, है ना? माइक ख़राब हो गया है, बनेगा माइक तो थोड़ा और व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, 402 गो हुआ है आज तक।